और जब ये मैंने वीडियो बनाई थी 2 वीक पहले, तो काफ़ी लोगों के कमेंट में ये कहा था कि इसका एयर ड्रॉप अब नहीं मिलेगा, कि टीम मना कर रही है, ये वो। एंड गाइस, जिन लोगों ने इस पे एक्शन लिया है वो रेडी रहना कम से कम यहाँ पे 1000 से 800, 900 या फिर $2,000-3,000 का एयर ड्रॉप लेके, क्योंकि इनका अब नया अपडेट आया है जो कि आज मैंने टेलीग्राम पर भी कहा था। और हाँ, जो लोग अब इसको करना चाहते हैं वो भी इसको देखना, और जिसको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है तो उनके लिए मैंने 2 से 3 वीडियो के इसके बाद एयर ड्रॉप बताऊंगा, आप वो जाके कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देख के जितने लोगों ने भी ऑर्बिट्रम का एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, प्लीज़ वो लोग लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज लेके आया हूँ, प्लस उसका एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑर्बिट्रम के यहाँ पे ट्विटर पे चलते हैं, एंड यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो 16 घंटे पहले इनकी एक ट्वीट आई है जिसमें क्या हुआ है, इनका ओडीसी इनका प्लेटफॉर्म या फिर ओडीसी इवेंट बोल सकती हो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी क्राइटेरिया रखी हैं जिसको अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप 100% एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि जब वीडियो बनाया था उसी टाइम मैंने कहा था कि अब ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने एक स्वैप किया और आपको एयर ड्रॉप धड़ल्ले से मिल गया, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे जैसे लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, कि यहाँ पे कोई भी अनलिमिटेड ट्रिक का यूज ना किया जाए और जो भी एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एकदम जेन्युइन तरीका से हो। और ये जो इनकी ओडीसी इवेंट की जर्नी रहने वाली है वो यहाँ पे टोटल 8 वीक की रहने वाली है, एंड इस 8 वीक में यहाँ पे कई सारी ऐसे चीजें आएंगी जिसको हम लोगों को करना है। एंड आज जो फर्स्ट टास्क आया है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जो इनका पहला वीक स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है द ऑर्बिट्रम ओडीसी ब्रिज वीक, ठीक है। तो इस वीक में हमको क्या करना है, इन्होंने इन ब्रिज को यूज करने का टाइम भी दे दिया, वो यहाँ पे लिखा है वीक 1, सिर्फ जून 27 से पहले पहले हमको उन 2-3 ब्रिज को यूज करना है, और वो कौन से टॉप ऐसे ब्रिजेस हैं जिसको आप यूज करके 100% एलिजिबल हो सकते हो वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। प्लस यहाँ पे अब देखो, वैसे तो इन लोगों ने यहाँ पे पूरे 10 की 10 मतलब ब्रिज दिए हैं, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ 2 ऐसे ब्रिज यूज करना है जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज किया हो, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको दिमाग से खेलना है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आपको इन 2 ब्रिज को 1 वीक के अंदर अंदर यूज करना है 27 तारीख से पहले, एंड मतलब जो फिर 1 वीक ये ख़त्म हो जाएगा, फिर 7 हफ्ते रह जाएंगे, फिर उन 7 हफ्तों में इनके नए टास्क आएंगे, ओके। और आप लोग कहोगे कि ये इतना सारा काम क्यों करवा रहे हैं, तो देखो इनका ये मकसद नहीं है कि ये सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए ही करवा रहे हैं, इन लोगों को क्या चाहिए होता है, पब्लिक सिटी, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के प्लेटफॉर्म के लोग यूज करें, तो इन लोगों का मकसद भी यही है। ये जितने ब्रिज दिए गए हैं इन ब्रिज को आप लोग यूज करो, और लेयर 2 से अपना कोई भी क्रिप्टो को लेयर 1 से लेयर 2 पे और लेयर 2 से लेयर 1 पे भेज सको। एंड इनका एक और आप लोगों का क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमने ये 2 ब्रिज यूज कर लिए उसके बाद 7 हफ्तों में क्या रहने वाला है, तो उन 7 हफ्तों के लिए इन लोगों ने डैप्स रखे हैं हमारे लिए, ठीक है। उन डैप्स को हमको इनके हिसाब से यूज करना है, ये किस हिसाब से बताते हैं, जैसे कि इन्होंने ब्रिज को बताया है कि आपको 1 वीक के अंदर इन 10 ब्रिज में से 2 ब्रिज को यूज करना है, उसके बाद जो 7 हफ्ते रहेंगे उसमें ये हम लोगों को मतलब डैप्स बताएंगे, हम उन डैप्स को यूज करेंगे, ठीक है। और इनका एक छोटा सा ये आर्टिकल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल आपके टोटल कम से कम 12 टास्क कंप्लीट रहने चाहिए जिसमें आप लोगों को इनकी NFT मिलेगी। जैसे क्या होता है ना, हम लोग अगर कभी कभी मिंटिंग करते हैं तो वहाँ पे वो हम लोगों को एक मिंटिंग टोकन दे देते हैं, तो इसी प्रकार से ये लोग क्या करेंगे, हमको इन टास्क के बदले यहाँ पे NFT देंगे। और मुझे लगता है, और इन टीम का भी मेरे ख्याल से प्लान भी यही है, कि जिन लोगों के पास वो NFT होगी उन्हीं लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात का ध्यान रखना, ये 12 NFT आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी, कम से कम 12 टास्क तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, अभी इथेरियम की फीस देखिए गाइस, मतलब 17 GB मतलब $0.39 मतलब 20-25 रुपए में आपका एक ट्रांजैक्शन आराम से हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन करने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे एयर ड्रॉप आप लोगों को मिलेगा कम से कम $1,000 प्लस की बात करना, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है।
अब जो मैं आपको ब्रिज बताने वाला हूँ, एक बात का ध्यान रखना, ये पूरा वीक रहने वाला है। ब्रिज को करके मतलब किसी भी नेटवर्क से आपको सिर्फ इथेरियम सेंड करना है। देखो हर नेटवर्क पे आपको इथेरियम मिल जाएगा, आपको BSC पे भी इथेरियम मिल जाएगा एंड पॉलीगॉन पे भी इथेरियम मिल जाएगा। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा यही 2-3 नेटवर्क हैं जिसपे आप किसी से भी इथेरियम, चाहे आप BSC से। मैंने भी आपको इसी वीडियो में मैंने आपको ब्रिज यूज करके दिखाया है कैसे आपको ब्रिज यूज करना है, मगर इस वीडियो में आपको एक बार फिर से उन मेन ब्रिजेस का मतलब नाम बता दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने एक चीज और बताई है यहाँ पे कि यहाँ पे इन सभी ब्रिज को जो भी यूज करेगा उनको तो हम NFT देंगे ही देंगे, मगर यहाँ पे इन ब्रिजेस में से जो भी सबसे ज्यादा 2 ब्रिज यूज होंगे, 2, तो हम उनको एक्स्ट्रा NFT देंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। एंड जो NFT आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कूड़ा मिलेंगी, उन NFTओं का भी कुछ ना कुछ यूज केसेस होगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन और है। जैसे कि इन लोगों का ये है कि आपने इस ब्रिज को यूज किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट ब्रिज का यूज ले लिया, जो इनके 10 इन्होंने दिए हैं उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं आपको किसी भी चेन से, किसी दूसरी चेन से आपको ऑर्बिट्रम पे भेजना है। ठीक है, जैसे इस चेन से मान लीजिए आपको इथेरियम चेन से, और नीचे किस मतलब किस पे भेजना है, यहाँ पे ऑर्बिट्रम पे भेजना है नीचे। ठीक है, अब देखो इथेरियम से तो कोई भी नहीं भेजेगा, मान लीजिए आप चाहे BNB से भेजना, जैसे BSC स्मार्ट चेन से या फिर पॉलीगॉन चेन से, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है या तो स्मार्ट चेन पे आपका इथेरियम होगा, या पॉलीगॉन चेन पे होगा, आवालान चेन पे होगा, मान लीजिए आपका BSC पे होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास BSC होगा, वो पैनकेक स्वैप से इथेरियम खरीद लेना और यहाँ से आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। ठीक है, और फीस देखो अभी कितनी ज़्यादा, मतलब 4 GB जा चुकी है, जिसमें तुम आपके सामने अपने BNB से यहाँ पे मतलब पैनकेक स्वैप से BSC चेन पे इथेरियम मैंने बाई किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। अब मैं होम पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप वैसे तो आपका इथेरियम चेन का इथेरियम ओपन होगा, मगर यहाँ पे आप जब लिखोगे ETH तो नीचे आप देखोगे आपको BEP20 का भी दिख जाएगा ETH। ठीक है, ये वाला है बाइनेंस पैक का। एंड यहाँ पे आपका ये देखो मेरा इथेरियम यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अब पहली बात, मैंने यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अपना चेन सिलेक्ट किया एंड नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप टोकन सिलेक्ट करिए, मतलब आप क्या भेजना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इथेरियम भेजना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इथेरियम सिलेक्ट किया और यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल के और नीचे यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास फीस यहाँ पे सिर्फ कितनी लग रही है, 0.0015 ETH की, जो कि $1.65 बनता है। अभी के हिसाब से बहुत ही कम है गाइस। ठीक है, 5 GB यहाँ पे लग रहा है, तो मेरा काम आराम से यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे स्विच टू बाइनेंस चेन टू मतलब को ब्रिज तो सभी कर लेंगे, सबको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चंस रहेगा कि हम किस ब्रिज को यूज करें, क्योंकि अगर इन सभी ब्रिज को कोई एक बार यूज करता है तो उन सबको हर एक प्रोजेक्ट की एक NFT तो आपकी होगी ही होगी, मगर अगर यहाँ पे आप इन सभी इनको यूज करते हो और जो भी इनमें से सबसे ज़्यादा जिसपे इथेरियम का ट्रांजैक्शन यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्होंने 2 प्रोजेक्ट बताए हैं, तो उसकी आपको बोनस NFT मिलेगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ, जो कि यहाँ पे वैसे ट्रिक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियली प्रोजेक्ट नहीं बताया है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया है कि जैसे कि 10 है, ठीक है, अब एक में अभी मैंने कितनी फीस दिखाई थी कि 1.34 के अराउंड मेरी फीस लग रही थी डॉलर की, मैं किसी भी मतलब नेटवर्क से अगर यहाँ पे ऑर्बिट्रम पे अपना इथेरियम भेजता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी यहाँ पे आप इथेरियम भेजोगे तो जब तक यहाँ पे NFT मिल नहीं जाती है, जो भी इनका ब्रिज वाला वीकेंड खत्म नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे आपको अपना इथेरियम निकालना नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास ये है, मान लीजिए आपके पास मतलब $20 या $25 है, मान लीजिए एक छोटा सा अमाउंट दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि हम लोगों को मतलब हम लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या यहाँ पे कोई मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पे कि मान लीजिए $20 का ही इथेरियम करना है या $100 का इथेरियम करना है, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया है कि नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जब भी इथेरियम पे ये फीस मुझे कम दिखेगी, जैसे कि अभी 18, 19, 17 थी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये इथेरियम पे है और लेयर 2 पे
मैंने आपको दिखाई थी 5GB, ठीक है, बहुत ही कम है। तो जब जब ये यहाँ पे इस प्रकार से होगी, मान लीजिए यहाँ पे 5-6 के अराउंड, और जो लेयर वन का इथेरियम है वो यहाँ पे 16-17-18 के अराउंड, तब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन करूँगा। वैसे तो मैंने सेकेंड अकाउंट से ऑलरेडी कर लिए हैं सारे के सारे, आज मॉर्निंग में ही, बकाया मैं आप लोगों को वीडियो के लिए अगेन बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और वीडियो इतनी डिटेल वाली बता रहा हूँ आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो तरीका, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन सभी एक्सचेंजों में यहाँ पे मतलब $5-6 का इथेरियम भेज दूंगा लेयर टू पे, ठीक है, और उन सभी में मेरी फीस लगने वाली है लगभग $1-1.5 के अराउंड, तो लगभग यहाँ पे $10-15 की मेरी फीस मान के चलो, ठीक है। इन लोगों के पास फीस बिल्कुल भी नहीं है, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे 2-3 ऐसे मतलब टॉप जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं ब्रिजेस, उनका यहाँ पे बताऊँगा ताकि वो लोग सिर्फ उसको ही यूज करें और $2-3 की फीस में उनका काम हो जाए, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहले नंबर पे मेरे हिसाब से सबसे पहले मेरी टॉप रैंक पे है मेरा ये कनेक्ट ब्रिज, ठीक है, ये मैंने कई बार यूज किया है, सिंपल भी है, नंबर तो एक ही हो गया। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आगे, ठीक है, जो सबसे पहले ये है ना कनेक्ट ब्रिज, नंबर वन ये हो गया मेरा, एंड सेकंड मेरा होप प्रोटोकॉल जो कि इन लोगों ने नंबर वन पे रखा है, ठीक है, ये मेरे दो हो गए बिल्कुल मेन। और मान लीजिए अगर कोई पूछते हैं कि यहाँ पे मतलब कोई तीसरा या चौथा भी बता दीजिए, तो जो तीसरा रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है हैज़ फ्लो का, ठीक है। एंड ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग यहाँ पे सिर्फ 2-3 ब्रिज यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा फीस नहीं है, बकाया मैंने इन सभी को यूज कर लिया है और मैं अपना इथेरियम तब तक यहाँ पे इस वीक तो नहीं निकालने वाला हूँ जब तक मुझे यहाँ पे NFT मिल नहीं जाती है, क्योंकि मुझे और भी ट्रम का एयर ड्रॉप लेना ही है गाइस। और हाँ, सब लोगों का क्वेश्चन कि क्या सर हम अब और भी ट्रम का यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ गाइस, हाँ आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि जो नेक्स्ट इनके 6-7 वीक रहने वाले हैं उसमें ये लोग डेप्स देंगे इसी प्रकार से हमको, जो भी डेक्स हो 5-10 या फिर 2-3 जो भी डेक्स हो उसको हमको यूज करके सभी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक एक चीज बारीकियां से मतलब समझ में आ गई होगी। और वैसे तो यहाँ पे एक चीज़ और चल रही है, जैसे ये प्रोजेक्ट है ना, तो ये प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि जैसे कि अब आर्बिट्रम में यहाँ पे कह दिया है, तो सबसे ज़्यादा इन मतलब ब्रिजेस से लोग सोच रहे हैं कि हमारा ब्रिज सबसे ज़्यादा लोग यूज करें, तो इन लोगों ने भी रिवॉर्ड रखा है। जैसे कि होप प्रोटोकॉल पे मैं क्लिक करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट डाला है कि यहाँ पे अगर कोई हमारे ब्रिज को यूज करेगा तो ये देखो, अगर यहाँ पे मतलब ड्यूरिंग आर्बिट्रम ब्रिज मतलब दिस वीक, अगर इस वीक में कोई यहाँ पे हमारी NFT यूज मतलब ब्रिज यूज करेगा, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हम उनमें से 10 लक्की यूजर्स को चुनेंगे एंड हम उनको यहाँ पे NFT देंगे जो कि अच्छी खासी प्राइज की होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे, अब इसी प्रकार से जो नवे नंबर पे ये हैज़ फ्लो दिख रहे हैं ना, इस इन्होंने भी यहाँ पे एक ट्वीट डाली है, इन्होंने शायद ज़्यादा रिवॉर्ड रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या बताया है कि अगर यहाँ पे कोई आर्बिट्रम का ब्रिज हमारा मतलब जो भी कर रहा है ना इथेरियम से और ऑर्बिट्रम पे भेज रहा है, तो अगर हमारा जो भी हैज़ फ्लो का मतलब ब्रिज है उसको यूज करेगा तो हम यहाँ पे 200 ऐसे लक्की यूजर्स को पार्टिसिपेट को यूज करें मतलब सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हम उन लोगों को मतलब चांस होगा उन लोगों को कि लिमिटेड एडिशन NFT होगी जो कि काफ़ी अच्छी रेयरिटी की दिख रही है, आपको यहाँ पे एक फ़ोटो भी दिख जाएगा। एंड यहाँ पे जब आप इसी पोस्ट पे क्लिक करोगे, सबसे पहली बात तो ये सारी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो यहाँ पे इनके द रूल्स, यहाँ पे कुछ इनके रूल्स भी हैं, तो रूल्स आप नीचे देख सकते हो कि आपको फॉलो करना है, लाइक रीट्वीट करना है, आपको 3 फ्रेंड को टैग करना है, स्वैप एनी एसेट एनी चेन, किसी भी चेन पे आप इनके यहाँ पे इनको मतलब ये कर सकते हो, और भी इन्होंने कई सारी ऐसी आपको चीज़ें दी गई होंगी, ये देखो यहाँ पे आपको, ठीक है, आप इनको कितनी थ्रेड्स हैं, टोटल इनके 6 थ्रेड्स दिए हैं, ठीक है, तो इन सबको आप पढ़ लेना, ये टर्म एंड कंडीशन भी आप करके, आपको यहाँ पे देखो कितने सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप इस ब्रिज को यूज करोगे आर्बिट्रम को तो आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप, ठीक है, प्लस यहाँ पे NFT, प्लस यहाँ पे जिस ब्रिज को यूज करोगे मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के
ब्रिज को, तो उन ब्रिजों से भी आपको एनएफटी मिल रही है। और इनका भी अगर टोकन नहीं है तो जो भी मतलब ब्रिजेस हैं इनके फ्यूचर में टोकन आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये कहा कि नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप कितना भी भेज सकते हो छोटा से छोटा अमाउंट। तो मैं यहाँ पे इन 10 ब्रिज को एक एक करके अपने एक अकाउंट से, अपने वाइफ के अकाउंट से तो यूज कर चुका हूँ, एंड जो मेरा अपना अकाउंट था ये मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए रख दिया। बकाया मैंने आपको मेन बता दिए, होप प्रोटोकॉल हो गया, कनेक्ट हो गया, हैश फ्लो हो गया, बकाया आप लोग देख लेना, कोई भी यहाँ पे ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है या फिर इनका कोई भी अपडेट आता है, मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना और उसके बाद यहाँ पे मेरी वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी। तो देखो ये तो आर्बिट्रम की कहानी थी, ये तो ख़त्म कर दी मैंने। अब देखो इसको नए लोग भी यूज कर सकते हैं और पुराने लोग भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे मतलब हम अगर नए लोग हैं तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इनकी नई क्राइटेरिया है, तो मे भी यहाँ पे आप सभी लोगों को एयर ड्रॉप मिलने के चांस रहे। बस इतना बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब ट्रिक यूज मतलब स्कैम वगैरह मत करना। आप जो भी काम करो जेन्युइनली करना। मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल अकाउंट भी अगर करना है तो आप अपने अदर फोन से एक एक अकाउंट बनाना, क्योंकि वो आपका जेन्युइन काम होगा, तो वो यहां पे आपका उसमें स्कैम में नहीं आएगा या फिर अनलिमिटेड ट्रिक में नहीं आएगा। एंड अब जो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेकेंड एयर ड्रॉप लेके आया हूँ, ये भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। देखो ये आपको इस प्रकार से नहीं देगा कि आपको $2,000 मिल जाएगा, $3,000 मिल जाएगा, इसमें कम से कम आपको $100 से लेके $200 देने की पोटेंशियल है। और इसमें अगर आप चाहो तो आप कम से कम अगर आपके पास दो फ़ोन है तो दो फ़ोन से कर लेना, अगर आपका एक में रिवॉर्ड नहीं मिला तो पक्का मिलेगा। एंड टोटल यहाँ पर जो रिवॉर्ड रखा गया है वो 300 के मेल्ड टोकन का गया है, जो कि यहाँ पे इसका पूरा नाम है शायद क्या है ये AK, हाँ पढ़ लेना। एंड इनका यहाँ पे क्या लॉन्च हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे इनका अल्फा स्टेट 80 के ट्रांजैक्शन, 20 के यूनिक एड्रेसेस एंड मोर। देखो मुझे पता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। देखो और यहाँ पे एयर ड्रॉप अच्छा खासा है, प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, तो सीधी चलते हैं इसको एयर ड्रॉप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इतना मैंने रिवॉर्ड बता दिया, यहाँ पे 3,00,000 के मतलब मेल्ड टोकन का एयर ड्रॉप है और इनका कभी भी एंड हो सकता है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ लास्ट वीक में भी शायद इन्हीं 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं 2 दिन के अंदर अंदर, आज और कल के अंदर आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ख़त्म मतलब कर लेना। एंड ये भी पता नहीं अगर ये क्वांटिटी इनकी पूरी हो गई जो इन्होंने बोला है, वी हैव रिसीव्ड अगर 80K प्लस ट्रांजेक्शन और इतने एड्रेसेस, तो यहाँ पर मे भी शायद इसी वीक ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बकाया आप पढ़ लेना। देखो मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चलता हूँ, सीधे चलते हैं ड्रॉप की तरफ। सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पर अपना कीवी ब्राउजर या फिर इंडेक्स ब्राउजर ओपन कर लेना और उसमें आप लोगों को मेटामास्क मतलब मेटामास्क का पूरा सेटअप कर लेना। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये टेस्ट नेट पे है, तो यहाँ पे शायद मुझे पॉलीगोन मेन नेट पॉलीगोन का टेस्ट नेट का नहीं है, हाँ तो ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉलीगोन का टेस्ट नेट का नेटवर्क ऐड करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा chainlist.org की। बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब चिंता करने वाली बात नहीं, सारी लिंक आपको स्टेप बाय स्टेप टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। एंड सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही हम टेस्ट पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्ट वाला इसको इनेबल करना पड़ेगा। अभी जो भी यहाँ पे सर्च करोगे ना, इसको डिसेबल करे हुए तो सारे मेन नेट के नेटवर्क आएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ये देखो आ जा इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलीगॉन, ठीक है, ये मैंने पॉली, तो यहाँ पे आपको देखो एक तो ये दिखेगा पॉलीगॉन मेन नेट और एक ये दिखेगा ये जूसी करके, इसको नहीं करना है हमको, करना है इस वाले को मुंबई वाले को, ठीक है, मुंबई मैटिक, और इसको हमको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और सबसे पहले ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करना है। जैसे ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करेंगे, कीवी में करोगे तो 3 डॉट पे क्लिक करके आपके एक वो आएगी। और हाँ अगर किसी को दिक्कत होती है ना तो मैं इसका RPC भी दे दूंगा, आप RPC से आराम से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा और ये मेटामास्क पे गया, स्विच नेटवर्क पे क्लिक किया और ये मेरा मैटिक का टेस्ट नेट का ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो सबको पता है यहाँ पे टेस्ट नेट ऐड करने के बाद हमको चाहिए होते हैं उनके टेस्ट नेट के टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टेस्ट नेट के मैटिक चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो फॉसेट का लिंक दूंगा, अगर एक फॉसेट पे यहाँ पे क्लेम नहीं होता है तो आप दूसरे पे यूज करना। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस अपना कॉपी किया,
एंड आप इस साइड पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना है। ये मैंने अपना एड्रेस पेस्ट किया एंड यहाँ पे सेंड मी मैटिक पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड मी मैटिक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा एंड ये देखो क्या बोल रहा है, हाँ मेरा एक शायद मैटिक मुझे दे दिया है, ठीक है, जो कि आ चुका है आपके सामने। एंड उसी प्रकार से मैं आपको दूसरा पॉसिट भी दे दूंगा, उससे भी यहाँ पे आप कर लेना। तो देखो मैंने आपको बोला था तो एक ना एक से आपका दोनों में हो जाएगा, मेरी एक में प्रॉब्लम आ रही है बट मेरा यहाँ पे एक से काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमने आधा काम कर लिया सेट। अब जैसे कि ये जो आज का टेस्ट नेट रहने वाला है वो यहाँ पे कार्डनो पे रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक कार्डनो का वॉलेट भी ऐड करना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, जैसे कि तो यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब देखो आपके पास अगर जैसे कि वो होता है ADA का वॉलेट, अगर वो आपके पास है तो वो भी आपका काम हो जाएगा, मगर यहाँ पर आप इसको यूज कर लेना, ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसकी एक्सटेंशन भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसको आप ऐड कर लेना। और हाँ भाई लोगों यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाओ, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है इस वीडियो में, ठीक है। लास्ट में एक एयर ड्रॉप और रहेगा और ये मेरा वॉलेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे अगेन मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा और ये रहा नामी वॉलेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इम्पोर्ट और क्रिएट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आप लोग अपना वॉलेट बना लेना, नया बना लेना या फिर किसी भी प्राइवेट की से इंपोर्ट कर लेना। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, आपके सामने इस प्रकार से 24 प्राइवेट की आएंगे, इनको आप अच्छे से पेपर पे लिख लेना। देखो उससे क्या कहते हैं, जो पिछला अभी मैंने कुछ दिन पहले ब्रिज नेटवर्क पर एयरड्रॉप बताया था, हालांकि उसमें काफ़ी लोगों का बाद में विनर लिस्ट नाम काट दिया गया था, मगर जो भी लोग वहां पे विनर थे इंस्टेंट जिन लोगों ने सेल कर दिया था उन लोगों को तो $50 से $60 का प्रॉफिट हुआ था। एंड जिन लोगों ने सिर्फ दो दिन होल्ड कर लिया था तो वो यहाँ पर 120% पंप हुआ था, तो वहाँ पर लोगों ने $120 भी निकाले थे। उसी प्रकार से ये रहने वाला है और वहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपनी प्राइवेट की लॉस्ट कर दी थी, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से पेपर पर लिख के इसको सेव करके रख लेना है, ताकि जब भी आपका फोन मतलब हैंग वगैरह रीसेट वगैरह हो तो बाद में आप इसको रिकवर करके और अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर पाओ। ओके तो चलिए मैं वॉलेट में नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब देखो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो की थी पड़ी हुई वो उसने डाल दी, मगर इसने कुछ की गैब कर दी। तो ये कह रहा है जो आपने लिखी है ना अभी उसमें से बताइए कि 15 नंबर पे कौन सी थी, 5 नंबर पे कौन सी थी, 10 नंबर पे कौन सी थी। आपका यहाँ पे रैंडमली पूछ सकता है, तो जो मैंने यहाँ पे पेपर पे लिखी है उस प्रकार से मैं यहाँ पे अपनी 15वीं की डाल देता हूँ, यहाँ पे 5 नंबर वाली की डाल देता हूँ, यहाँ पे 20 नंबर वाली, और मैं वॉलेट यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालना, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अकाउंट यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। एंड अगेन किसी पेज को ओपन करके 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने नामी वॉलेट पे जाता हूँ और यहाँ पे ये जो मेरा ADA का वॉलेट बनके सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रिसीव्ड पे क्लिक करना है एंड सबसे पहली बात आपको यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले लोगो पे क्लिक करना है। इस वाले लोगो पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। नेटवर्क पे आप आने के बाद यहाँ पे अभी मेन नेट पे आइए, आप इसको टेस्ट नेट पे कर देंगे, ये मैंने इनेबल कर दिया, अब यहाँ पर ये टेस्ट नेट पे हो गया है, ठीक है। एंड अब बैक जाता हूँ और ये मैं बैक गया एंड अब आपको रिसीव पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये एड्रेस को कर लेना है आपको कॉपी। अब इस एड्रेस पे कॉपी करने के बाद इसको भी इस पे भी आपको एक फॉसेट लेना है और देखो ये जो वाला फॉसेट होगा वो आपको इस प्रकार से होगा और इसको आप ऊपर करना, ऊपर जैसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। ये एड्रेस डाला और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट किया एंड हो जाए कम्प्लीट, हाँ ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फंड पे क्लिक करता हूँ, अब देखो जैसे ही रिक्वेस्ट फंड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा एंड ये देखो लगभग 15 सेकंड तक आपको इस प्रकार से ऑप्शन मतलब इस 15 सेकंड के बाद ही आएगा आपको, तब तक मुझे वेट करना पड़ा था। एंड यहाँ पर ये कह रहा है योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल, 1000 ADA आपको भेज दिए गए हैं, सेंड कर दिए हैं। चलिए हम अपने वॉलेट में चल के देखते हैं और मैं अपने वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ और ये देखो ठीक है यहाँ पे मुझे ये 1000 ADA आ चुके हैं, जो कि ये टेस्ट नेट में है, $471 इसकी वॉल्यू मतलब वैल्यू शो हो रही है। एंड अब जो आपको मेन लिंक मतलब जिस पे हमको पूरा खेल करना है जो कि ये वाली साइट होगी, अब जैसे ही यहाँ पे आप ये लिंक डालोगे तो ये कह रहा है ओनली डेस्कटॉप वर्जन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही डेस्कटॉप पे आप ओपन कर लोगे
अब यहाँ पे सिंपली आप देखोगे ये आपको लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो मेटामास्क का दिखता है, एक नामी वॉलेट का दिखता है। अब यहाँ पे आप क्या काम करना, मतलब दोनों में दोनों ही आपको कनेक्ट ही करने हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेटामास्क पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने मेटामास्क पे क्लिक किया, कीवी में करोगे तो थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको करना पड़ेगा, और येंडेक्स में करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ सिंपल, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये सक्सेसफुली एक वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड जो लिंक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मेटामास्क वाला यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे नामी वॉलेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया और ये अब आएगी नामी वॉलेट पे एक। अब यहाँ पे देखो आपको इंडेक्स ब्राउज़र यूज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही एक्सेस पे क्लिक करोगे आप अगेन थ्री डॉट पे क्लिक करना और अपनी वेबसाइट पे चले जाना, और यहाँ पे आपको दोनों वॉलेट यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो जाएंगे जो कि आपके कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे देख, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा ब्रिज करने का, ठीक है। यहाँ पे जो ये कौन सा आकामोन है या एक्मोन है कि आप नाम आप देख लेना, तो इसमें क्या करना है हमको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर यहाँ पर अपना फंड ट्रांसफ़र करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, आपके पास क्या है अभी यहाँ पे, आपको कार्डनो है, ठीक है, तो आपको कार्डनो से यहाँ पे क्या मिलेगा, MADA। अब यहाँ पे देखो आपको एक मैक्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये मैक्स का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे आप कितने करना चाहते हो, देखो ये सारे के सारे टेस्ट नेट के, तो आपकी मर्जी जितना करना चाहो। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 500 करता हूँ, 500 पहले मैंने यहाँ पे ADA किए। अब मैं यहाँ पे ADA नेटवर्क से यहाँ पे पॉलीगोन पे भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरे एक कन्फर्मेशन आएगी, एंड आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड ओपन कर देना, ये पूरा का पूरा काम आपका डेस्कटॉप में होगा, कीवी ब्राउज़र में आपको होगी दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, जो मैंने आपका सिंपल अभी पासवर्ड डाला है, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा बैक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगेन उसी साइड पर चले जाऊँगा। और यहाँ पर देखो क्या लिख के आ गया, ट्रांजेक्शन मतलब स्टार्टेड हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कितने, मतलब जो मेरे ADA नेटवर्क से कार्डनो पॉलीगोन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नया, मतलब न्यू ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करोगे तो आप इसी प्रकार से कर सकते हो। आप इधर सिलेक्ट करना, मान लीजिए मैटिक, ये मैंने इधर मैटिक सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं मैटिक से मतलब पॉलीगोन से कार्डनो पे भेजूँगा, कितना मेरे पास यहाँ पे इसमें तो गाइस रिक्वायरमेंट ही यहाँ पे मिनिमम एक मैटिक की दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब अपने दूसरे एक अकाउंट में, मतलब मेरा नया अकाउंट था उसमें मैंने क्या काम किया, एक मैटिक और फोसिट लेके और वो भी इसी वॉलेट में कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके जब मैं करूँगा तो मेरा अब शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एक मैटिक था और मेरा एक ही मैटिक था वॉलेट में। तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैटिक और अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ पॉलीगोन से कार्डनो पे मैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे भी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, मगर यहाँ पे तो मेरा देखो यहाँ पे मैटिक तो इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ ना, जो मेरा मतलब पॉलीगोन से मैटिक भेज रहा हूँ तो मैटिक तो जा नहीं रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो मेरा पॉलीगोन पे ADA था ना उसको इधर से उधर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे MADA को कार्डनो पे भेजूँगा, कितना था मैक्सिमम था मेरा 500 भेजा था ना मैंने आपके सामने, इसमें से आप कुछ भी अमाउंट, सॉरी गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने का भूल गया, यहाँ पे जब आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी मैंने इनके मीडियम में जाके देखा, जो ये ट्रांजैक्शन मैंने किया है ना ये दिखा रहा है कि मतलब 4 डे में कंप्लीट होगा गाइस, ठीक है, तब तक यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर ये कंफर्म मतलब सक्सेसफुली आपकी ट्रांजैक्शन हो गई तब तो सही है, अगर ये नहीं होती है तो आपको दोबारा इसको करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा इसको कर देना। देखो ये एयर ड्रॉप भी कम्प्लीट हो गया, बस इतना ही आपको करना है। अब जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप बिल्कुल ज़बरदस्त
प्ले टू अर्न का प्रोजेक्ट है, मैं कल उसके बारे में बता चुका हूँ, मगर ऑल उसका अगेन यहाँ पे एक एयर ड्रॉप आया जिसमें यहाँ पे आप साफ साफ बता रहा हूँ 4-5 अकाउंट से कर लेना ओके। तो जिस एयर ड्रॉप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे गाइस था ये गन्स टोकन का। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट है जिसकी कल मैंने यहाँ पे वीडियो भी डाली थी। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे मतलब दो एयर ड्रॉप चल रहे हैं, एक तो मैंने आपको ये गिलेम वाला दिया था। गाइस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कितना अमाउंट है, 21,22,000, 10,000, 10,000, 10,000, सिर्फ 10,00,000 यहाँ पे है। इसको तो आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया तो वो भी यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे मतलब 10,00,000 गन्स टोकन का रिवॉर्ड रखा है और इसका एक गेम आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मगर उससे पहले देखो इसमें आपको करना क्या है, जो लिंक मैं आपको सेकंड वाली दूंगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आके अकाउंट बनाना है, उसके बाद गेम में आपका मतलब लॉगिन होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप गेम में लॉगिन नहीं कर पाओगे, बहुत कोशिश कर ली। यहाँ पे 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे ना, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एवेक्स नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एवेक्स नेटवर्क से लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, आपके यहाँ पे मेटामास्क में एवेक्स नेटवर्क ऐड होना चाहिए, एंड जैसे ही नेटवर्क ऐड होगा तो यहाँ पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग लेगा ऑटोमेटिकली, और उसी यूजर नेम पासवर्ड से यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको एवेक्स भी रिवॉर्ड में मिलता है। तो इस प्रकार से आपका ये मतलब रहने वाला है गाइस, यहाँ पे आपको इनको इस प्रकार से गोली मारनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप अर्निंग करोगे, देखो इसमें गेम में मैं ज़्यादा धुलंदर नहीं हूँ, तो यहाँ पे हमारे ग्रुप में एक से एक पड़े हैं बंदे जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे गेम खेलते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको सिर्फ यही बताऊँ, इसका जो सेकंड एयर ड्रॉप चल रहा है उसको आपको ज्वाइन करना है। अब वहाँ पे कितना था, सिर्फ 10,00,000 का। अब यहाँ पे कितना अमाउंट रखा गया है, आप यहाँ पे देख लो, 21,22,000, 10,000, 10,000, यहाँ पे पूरे यहाँ पे 30,00,000 गन्स टोकन का रिवॉर्ड रखा गया, मतलब उससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड। और यहाँ पे यूजर कितने रखे हैं, मतलब फर्स्ट यहाँ पे 21,22,000, 10,000, 10,000, मतलब 3,00,000 लोगों के लिए, और अभी उतने लोग नहीं हुए, और पर यूज़र को यहाँ पे 10 गन्स टोकन मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप 5-10 अकाउंट से कर लेना, मगर यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, जो भी आपका यहाँ पे रिवॉर्ड रहने वाला है वो यहाँ पे ये क्या लिखा है, यू रिवॉर्ड कैन ओनली बी सेंट, आपका ये क्या है ना, ऑक्सालंस वॉलेट। तो ये वॉलेट मैंने ऑलरेडी बना लिया, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप इनके प्ले स्टोर पे चले जाओगे, एंड यहाँ पे इनका अपडेट भी आया है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेडी करके रखा है। देखो ये वाला भी इनकी वॉलेट के साथ पार्टनरशिप है, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। एंड वॉलेट इस प्रकार के आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर लेना आप, इस प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल के और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख लेना आपको जो अक्षर बताया ना वो अक्षर डालना, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। एंड जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका देखो वॉलेट डन हो जाएगा, एकदम कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना और ये आपका वॉलेट सक्सेसफुली बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस कहाँ से निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये एड्रेस दिखना है ना, इनमें से किसी भी एक एड्रेस को उठा लेना, ये सारे के सारे सेम है, मगर उनने और ये देखो कुछ अलग भी होंगे। ये देखो ये दिख रहा है ना आपको इधर अलग अलग से, तो ये उन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि आपका जो भी रिवॉर्ड होगा वो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सालंस वॉलेट पे दिया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि 4-5 अकाउंट से कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आप अमाउंट अर्न कर जाओगे। और प्ले टू अर्न का प्रोजेक्ट है तो आराम से आप एक अकाउंट पे $10, $5 मान के चलो, एंड यहाँ पे क्लिक करना और इस एड्रेस को कॉपी कर लेना। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डाल देना, ये बोला है ना इसने ऑक्सालंस वॉलेट एड्रेस, यहाँ पे आप एड्रेस को डाल देना। अब देखो इस मतलब इस वाले टोकन के मैंने 2 गेम के एड्रॉप बता दिए आपको और एक गेम बता दिया, ठीक है। एंड आप इन सभी एड्रॉप को कर लेना, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, जिससे लोगों को $100, $200, $1,000, $10,000, $20,000, इवन ऑप्टिमिज्म ने तो लास्ट टाइम $30,000 तक दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।